नमस्कार दोस्तों, खाने में नमक अगर स्वाद अनुसार हो तो खाना लजीज बन जाता है, लेकिन अगर नहीं हो तो खाना बेस्वाद सा लगता है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि नमक की हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है। पर क्या आप जानते हैं, नमक का गलत इस्तेमाल आपकी जिंदगी को खराब भी कर सकता है। बस ये निर्भर करता है कि नमक का प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है। इसके अलावा ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में नमक को लेकर कई टोटके भी बताए गए हैं, जो हमारी घर में बरकत को बढ़ाता है और जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करता है। लेकिन इसका एक गलत इस्तेमाल आपको महंगा पड़ सकता है। जहां ज्योतिष में नमक को लेकर फायदे बताए गए हैं, वहीं अगर हम इसे लेकर थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको नमक के टोटके नहीं बल्कि नमक को लेकर कुछ खास सावधानियां बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि नमक को जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। हिंदू धर्म में इसका नीचे गिरना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा भोजन पकाते समय भी भोजन को चखना नहीं चाहिए, इससे भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है और घर में दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाए तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, कभी भी किसी को नमक का पैकेट भी न दें। ज्योतिष के अनुसार अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक न खाएं। किसी पापी पुरुष के यहाँ नमक तो कदापि न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन न खाएं, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। मान्यता के अनुसार अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल न करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य है तो ऊपर से नमक डालकर खाना घातक सिद्ध हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। तो अगर आप नमक को किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में ही रखें, नहीं तो ये बुरा असर देता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।